नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप ज्योतिष जरा हटके, डिफरेंट, वेयर लॉजिक स्पीक्स। आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। जब कहीं घुसते हैं तो कुछ मिलता है, जब शोध में घुसते हैं तो मोती मिलता है। आजकल की स्थिति बड़ी धनमय हो गई है, रुपयामय हो गई है, मनीमय हो गई है और ऐसी स्थिति के कारण प्रत्येक इंसान, मुझे भी जोड़िए ना, मुझे और अच्छा लगेगा, पैसे के पीछे भागता है। मैं थोड़ा सा कम भागता हूं, मैं इसीलिए सदैव कंटेंट पर ध्यान देता हूं। जो हम मूवी लेकर आएंगे, फीचर फिल्म जिसकी हम फरवरी में शूटिंग करने जा रहे हैं और जिसके लिए हम आप लोगों से डिटेल भी मांगे थे, जिसमें एक 14 वर्ष की लड़की की कहानी है, 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की की कहानी, बस इतना ही बताऊंगा, हिला देगी। फरवरी में शूट शुरू होगा। अगर आप लोगों में से किसी की भी बेटी या कोई स्वयं 14 साल के बच्चे भी हमारा कार्यक्रम देखते हैं, करियर एट नक्षत्र 27.com पर अपनी रिसेंट पिक्स और कुछ एक्ट किया हुआ क्लिप मेल कर सकते हैं, शॉर्ट लिस्ट करेंगे हम, तो अभी भी समय है, आप कर सकते हैं। करियर carer@nakshatra27.com। चलिए बढ़ते हैं आगे। विषय है आज का धन। तुलसी के नीचे की मिट्टी का दिव्य प्रयोग। अब पहले तुलसी के नीचे की मिट्टी पर कुछ प्रकाश डाल देता हूं। लॉजिक देखिएगा, जिसको ज्योतिष समझ में आता होगा वो सिर्फ आंख फाड़ेगा, जिसको नहीं समझ में आएगा उसको हम अच्छे लगेंगे और हमारा तर्क समझ में आएगा। तुलसी के पौधे के साथ किन ग्रहों का समावेश जुड़ा होता है वो चर्चा का विषय है। तुलसी का पौधा बहुत घने पत्तियों वाला एक पौधा है, जो ज्योतिष शास्त्र में लक्ष्मी का प्रतीक है। साक्षात भगवान शालिग्राम के साथ इनका विवाह हुआ है, भगवान श्री हरि के साथ ये उनकी अर्धांगिनी के रूप में है। अतएव डायरेक्ट लक्ष्मी का कनेक्शन, पौराणिक तर्क के आधार पर। चलिए एक चीज तो ये समझ गए वो लोग जो धर्म वगैरह पर थोड़ा सा छाती पीटते हैं, मेरे लिए तो मानवता बहुत बड़ा धर्म है। हाँ, जाद से ब्राह्मण हूँ ये मेरा अलग एक विषय है। बहुत तटस्थ रह करके समभाव का मैं प्रयास करता हूँ। खैर, बुध ग्रहों में सबसे धनवान ग्रह का नाम है बुध। तर्क है मेरे पास, सबसे धनवान ग्रह। जो राजा है ना वो सिंह है, सिंह राशि, राजा राशि। तर्क है ना, सूर्य की राशि और राजा सबसे ऊपर, सूर्य सबसे ऊपर, ग्रहों में सबसे ऊपर, सबसे ऊपर यही होता है पहले नंबर पे। काल पुरुष की कुंडली में उच्च यही रहता है मेष राशि में। तर्क समझते जाइएगा, सूर्य के इर्द गिर्द जो धन और लाभ है वो कन्या राशि सूर्य के द्वितीय भाव में और मिथुन राशि सूर्य के एकादश भाव में। वेयर लॉजिक स्पीक्स। और वो बुध डायरेक्ट तुलसी के पौधे से कनेक्टेड है, क्योंकि हरियाली है, सीधी सी बात है। बहुत बड़ा पेड़ नहीं बनता, छोटा बनता है,
छोटा रहता है, बहुत ज़्यादा 2.5-3 फीट 4 फीट बहुत ज़्यादा तो नहीं, तो फैलता है ये पौधा, छोटे में फैलता है। और जो छोटा है ना वही तो बुध है। ऐ है तर्क आइए ना, ये कहाँ किताब में मिलेगा कि हमने छोटे के साथ बुध को जोड़ दिया है। तर्क है एक चंद्रमा का भी, चंद्रमा भी छोटा बच्चा है 4 वर्ष तक का। तो अरे चंद्रमा तो है ही है इसके साथ, क्योंकि इसके अंदर तरलता है, महिला संज्ञक है। चंद्रमा तो आ ही गया, कुंडली की पहली महिला चंद्रमा ही तो है, राजा के बाद उनकी रानी, सूर्य के साथ चंद्रमा। बहुत सारे तर्क बिखरे पड़े भैया, सुनते जाएंगे आप मजा आता जाएगा। अब पहले ये समझ लीजिए आप, तो तुलसी के नीचे की मिट्टी स्थाई और पवित्र धन का कारक बनेगा कैसे, अब आइए हम आपको बता देते हैं जल्दी से, समय बहुत ज्यादा हो जाता है, आप लोगों से तर्कों में ही बात करते हैं। जब तुलसी के ठीक जो तना है, जो मिट्टी के अंदर का पार्ट जहां से शुरू होता है, वहीं की मिट्टी थोड़ी सी ले लीजिए, इतनी सी, और इसमें तुलसी की ही पत्ती का रस मिलाइए और थोड़ा सा गुलाब जल मिला के गीला करके और 3 गोलियां बना लीजिए और वहीं तुलसी के नीचे ही रख दीजिए सूखने के लिए। यहां पानी उनी मत डालिए, अगर पानी डाल देंगे तो नहीं सूख पाएगा। या किसी चांदी या स्टील की कटोरी डिब्बी में रख करके और फिर तुलसी के पास रख दीजिए, सूखना तुलसी के ही नीचे है, इधर उधर मत धूप में सुखाइए, तुलसी के पौधे के नीचे ही गोलियां बनाकर रख दीजिए। कभी भी कर सकते हैं उपाय, कभी भी, आजकल परसों नरसों तरसों जब डेली, वही दोनों शर्त मानते हुए, नो पत्थर एंड नो नॉनवेज, मतलब हाथों में कोई जेम स्टोन ना पहने हो आप, और नॉनवेज हमेशा के लिए छोड़ने का संकल्प ले चुके हों, तब मेरे प्रयोग को हाथ लगाइएगा। खैर, गोलियां बना करके तुलसी के पौधे के नीचे सूखने दीजिए। जब सूख जाएं तो इन्हें लाल रेशम के कपड़े में, मखमल वेलवेट के कपड़े में, लाल रुमाल में रखकर, गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाकर और सामने बैठकर लक्ष्मी मंत्र या श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए। कितनी बार वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, जितना देर बैठ सके। अब अगर मान लीजिए लक्ष्मी का मंत्र है ओम ह्रीं श्रियै नमः, ओम श्रियै नमः, अब ये छोटे मंत्र अगर आप करना है तो 3 माला 7 माला 11 माला कर सकते हैं आप, मर्जी आपकी, मतलब हमारी तरफ से बंधन नहीं है, एक बार भी करें चलेगा, ज़्यादा कर लेंगे तो दौड़ेगा, बस इतना अंतर आएगा, अब आप देख लीजिए आपको दौड़ाना है कि चलाना है। खैर, जाप करने के बाद जो घी का दिया सामने जला था उसे शांत होने दीजिए, ऐसे ही गुलाब की पंखुड़ी और ये 3 गोलियां उसी रुमाल में बांध लीजिए और अपने धन स्थान पर रख दीजिए। दिवाली में इसे आप तुलसी के नीचे मिट्टी और गुलाब की पंखुड़ियां डाल दीजिएगा और दिवाली में फिर नया कर लीजिएगा। आप देखेंगे पहले दिन से ही इसका लाभ दिखेगा, घर में शांति रहेगी, लक्ष्मी की आवक शुरू हो जाएगी। मोहब्बत बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आज बस इतना ही, चैनल आपका अपना है, कहूंगा नहीं कि सब्सक्राइब करिए, लेकिन कर लेंगे तो अच्छा भी लगेगा, दबा के शेयर किया करिए, मोहब्बत लुटाते रहिएगा। 27-28-29 तारीख को मिलेंगे अहमदाबाद में, मुलाकात करने आइएगा। नमस्कार, श्री राधे।